नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। अफगानिस्तान में जो हो रहा है आप और हमारे सबके बीच में हो रहा है। जो भारत के अंदर अफगानिस्तान तालिबानी प्रेम की जो भाषा है वो भारत के अंदर आज भी कहीं ना कहीं बुलंद है। इन सब मुद्दों पे आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए ललित अंबरदार, कश्मीरी एक्टिविस्ट, जो कि आज सारी बातें हमारे कैमरे के माध्यम से आप सभी के बीच रखेंगे। तो आइए अपनी बातचीत की इनके साथ हम शुरुआत करते हैं। ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजधर्म पर। सबसे पहला सवाल ये मैं पूछूंगी, घाटी के अंदर ये जो नेता है ये सच में नेता है या फिर ये क्या है? देखिए, नेता तो है, मानना तो पड़ेगा, फॉलोइंग है। पीडीपी अपने आप को मेन स्ट्रीम पार्टी बोलती है और मुझे ये दुर्भाग्य से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ऐसी पार्टीज़ को मेन स्ट्रीम पार्टी का दर्जा देते हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीडीपी हो। और जहाँ तक ये अफगानिस्तान के साथ आपने जोड़ा, मैं आपके द्वारा देश को बताना चाहता हूँ कि ये नारे जो अभी जो ये नारा दिया है उन्होंने कि उनसे डरो जो वहाँ पे हो रहा है, वो कहना क्या चाहती हैं? वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रही है तालिबानी सोच के साथ। तालिबान वो लंबे बालों वाले जो बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहन के वाले लोग नहीं है। ये सोच है जिसके बारे में आपको ध्यान करना पड़ेगा, वो क्या चाहते हैं। वो दुनिया भर में अपने अपनी समझ से जो उनका इस्लाम है उसको फैलाना चाहते हैं। उनका मानना है कि उनकी सोच का इस्लाम में इस हक का दावेदार है कि दुनिया के अंदर उनका ही राज चलेगा, वही लोग रहेंगे। ठीक है, तो ये लड़ाई जो है ये सोच की है, चाहे वो आईएसआईएस के भी द्वारा आपको प्रस्तुत किया जाता है या तालिबान करते हैं। तालिबान अफगानिस्तान कश्मीर के साथ शुरुआत के साथ इनका जोड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि कश्मीर जो है ये जो इस्लामिस्ट आर्क मिडल ईस्ट मध्य एशिया से जो निकलती है, मिडल ईस्ट से जो निकलती है मध्य पूर्व से जो निकलती है, अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए कश्मीर उसका हिमालयन एंड है। ये आपको मानना पड़ेगा, ये कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है। जब 90 के दशक में सोवियत संघ 89 में सोवियत संघ को निकलना पड़ा था अफगानिस्तान से, तो कश्मीर के अंदर क्या नारा चला था? रूस ने हारा है, अब हिंदुस्तान की बारी है, ये कश्मीर के अंदर नारे चले थे। और जब तालिबान ने 96 वो जो लड़ रहे थे वहाँ पर सिविल वॉर जो चल रही थी, जब 96 में फाइनली उन्होंने काबुल के ऊपर कब्जा किया, तो पाकिस्तान की मस्जिदों से जो नारा लगा था वो ये था, हम जश्न काबुल मना चुके, चलो अब कश्मीर चलें, कश्मीर चलें। और उसके बाद इतने तालिबानी के रूप में, तालिबानी खाली वो अफगानी नहीं है, पर्शियन बोलने वाले नहीं है, मैंने जैसे बोला ये सोच है, उस सोच के साथ दुनिया भर के जो इस्लामिस्ट है, दुनिया भर के जो मुजाहिद है, दुनिया भर के जो जिहादी हैं, उस सोच के साथ जुड़े रहते हैं। कभी तालिबान के साथ, बीच में आईएसआईएस के साथ हुआ था, लेकिन ये सोच है। तो कश्मीर के अंदर भारतीय सेना के साथ लड़ते लड़ते हजारों की तादाद में विदेशी मर्सनरीज, विदेशी जिहादी जिहाद करते करते कश्मीर जिहाद के अंदर हिंदुस्तान के साथ फौजियों के साथ लड़ते लड़ते मारे गए थे। तो ये जो मेन स्ट्रीम पार्टीज है इनका भी यही कहना है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारा हिंदुस्तान समझने, सेक्युलर हिंदुस्तान को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। महबूबा मुफ्ती जो है उनकी पार्टी का नाम है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी, उसका जो ऑफिशियल मैनिफेस्टो है उसको बोलते हैं सेल्फ रूल। सेल्फ रूल के ऊपर सबसे बड़ा जो एजेंडा है उसके ऊपर लिखा है उनके अनुसार कि भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की व्यवस्था चलाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। जिसका मतलब यह है कि 5 अगस्त 2019 से पहले जब जम्मू और श्रीनगर कश्मीर के सेक्रेटेरिएट के ऊपर भारत का और जम्मू कश्मीर का झंडा लहराता था, इनकी चलती 5 अगस्त 2019 से पहले, तो ये वहाँ पे पाकिस्तान का भी झंडा लगाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, लाई लाई लला, ये शनाख्त की जो बात करते हैं, अपनी आइडेंटिटी की बात करते हैं, वो इस्लामिक सोच है, वही इनका नारा है। दुर्भाग्य से हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऐसी पार्टी को जो अपने ऑफिशियल मैनिफेस्टो में जो उन्होंने वहाँ पे सबमिट किया होगा पार्टी की रिकग्निशन के लिए, उसको नज़रअंदाज करता है कि जो एक दुश्मन देश को हिंदुस्तान के एक हिस्से के ऊपर उनका प्रभुत्व, उनको ऑफिशियल रिकग्निशन देता है कि उनका हक है जम्मू कश्मीर के ऊपर जो हिंदुस्तान का इलाका है। उसी डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि कश्मीर के अंदर आईएएस और आईपीएस खत्म होना चाहिए। उसी डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ सेल्फ रूल के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के अंदर वहाँ पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ज्वाइंट करेंसी चलनी चाहिए। तो क्या ऐसी पार्टी को हम मेन स्ट्रीम बोलेंगे? मैं तो वही कह रहा हूँ, बार बार हम अपील करते हैं कि इलेक्शन कमीशन से अपील करते हैं कि आप इनका मैनिफेस्टो देखिए, किस आधार पे आपने इनको ऑफिशियल रिकग्निशन दे रखी है। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में वही इस्लामी सोच है। ये दिल्ली से भारतीयता से हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तानी संस्कृति को खैर ये मानते नहीं है, वहाँ से दूरी करना चाहते हैं।
लेकिन पाकिस्तान से बॉर्डर खुले होने चाहिए, पाकिस्तान के साथ तिजारत होनी चाहिए, लोगों के साथ मेल मिलाप होना चाहिए। और जब अभी प्रधानमंत्री ने इनको बुलाया था इस गुपकार गैंग को, तो महबूबा मुफ्ती ने किसकी आवाज़ उठाई थी? इमरान खान की आवाज़ उठाई थी कि पाकिस्तान से भी बात करो। अभी भी जब उसने तालिबान के साथ ये जिक्र किया है, ये आपने उसने आपको धमकी दी है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी सेना जो है ना बॉर्डर के ऊपर तालिबानियों को तो संभाल लेगी, लेकिन देश के अंदर जो ये तालिबानी सोच है उससे खतरा है। वो ये कश्मीर में नहीं हो रहा, आप अगर देखेंगे आवाज़ें कहाँ से, कश्मीर से लेके उत्तर प्रदेश से लेके केरला तक, जहाँ जहाँ जो जिहादी है उनका मनोबल बढ़ गया है, क्योंकि उनको समझता है कि उनकी सोच ने काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया है। ये जानते हुए कि वो सोच क्या है, औरत का पैर का घुटना अगर दिखाई देगा तो उसको कोड़े पड़ते हैं, ये सोच है। औरत घर से बाहर नहीं निकल सकती बगैर मर्द के, चाहे वो 8 साल का बच्चा मर्द लड़का क्यों ना हो। ये है, ये इस सोच से ये उनका मनोबल बढ़ गया कि ये ऐसी सोच है, तो इससे आपको लड़ना पड़ेगा मैम। हमको देश को इसके महबूबा मुफ्ती से लेकर कश्मीर से लेकर केरला तक जितने इस्लामिक ग्रुप हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो इस्लामी सोच के उत्तर प्रदेश में जो इस सोच के, उनको बहुत मनोबल मिला है। भारत का आंतरिक हमला जो है, आंतरिक सुरक्षा का जो मामला है, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में हमें इसको ध्यान से रखना पड़ा। जब तक काबुल में, मैं समझ रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि उन्होंने कब्जा कर लिया, काबुल में सिविल वॉर होने वाली है, वहाँ के लोग पश्तून वहाँ पंजशीर वैली से तो वहाँ पर जगह झड़पें शुरू भी हो गई हैं, तो मैं पहले दिन से मान रहा हूँ कि अफगानिस्तान में वहाँ पर सिविल वॉर होगी। लेकिन वहाँ तक इन लोगों का जो ये जो शाहीन बाग था ना हमारा, हाँ शाहीन बाग गैंग वाले, ये वाले गैंग है, इनका मनोबल बहुत बढ़ गया। लेकिन इनको ये समझ आना चाहिए 1946 नहीं है, ये 1947 नहीं है, हिंदुस्तान है। आज यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो जो सनातन सिविलाइजेशनल राइज हो चुकी है, अब वो नहीं होने वाला। लेकिन इनको रोकना पड़ेगा, क्योंकि तालिबान, बताना चाहता हूँ, तालिबान का जो मदर इंस्टीट्यूशन है वो है उनका यूपी के अंदर आइडियोलॉजिकल आती है, आपके जो हिंदुस्तान के अंदर जो इस्लामिस्ट सेमिनरीज हैं, जो इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनको सोशल और पॉलिटिकल रिकग्निशन मिली है उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं चाहूँगा आप इसके बारे में बोले कि कौन से इंस्टीट्यूशन से, इस्लामिक इंस्टीट्यूशन से तालिबान को इंस्पिरेशन मिलती है आइडियोलॉजिकल, जिसको वो आधार मानते हैं अपनी इस मिडिविलिस्ट इसनी जिहादी सोच को आगे बढ़ाने के लिए, जिसके लिए वो मरने और मारने के लिए, खाली मारने के लिए नहीं है वहाँ पे, वो मरने के लिए भी तैयार है। तो इस सोच को रोकना पड़ेगा, चाहे कोई भी कदम उठाने पड़े। आप जो यूपी के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बार बार बता रहा हूँ, वहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है उनको, वो उनको इंस्पिरेशन मिलती है जिहाद के बारे में, कैसे जिहाद लड़ना। इसी प्रकार से कुछ पॉलिटिशियंस है, अभी टीएमसी कैंपेन कर रही थी बंगाल के अंदर इलेक्शन के अंदर, तो वहाँ का एक लीडर खुले मंच पे बोलता है हम हिंदुस्तान के अंदर इतने हैं कि हिंदुस्तान के अंदर 3 पाकिस्तान बनाएंगे। क्योंकि ये वो सोच है, ये जिन्ना की टू नेशन थ्योरी वाली तो सोच है, लेकिन ये हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं चाहते। पाकिस्तान तो ले लिया, वो जो गजवाई हिंद की जो जंग है 1000 साल से जो हम लड़ रहे हैं उसके अंतर्गत पाकिस्तान चला गया हमारा तो। लेकिन अब ये यहीं पे दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, ये इसी सरजमीन के ऊपर अभी तो तिरंगा लेके चल रहे हैं। जब इनकी चलेगी तिरंगा तो पहले उसको भगवा रंग निकाल देंगे ये लोग। तो ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे उत्तर प्रदेश के इस्लामिस्ट हो, चाहे आप केरला के इस्लामिस्ट हो, चाहे वेस्ट बंगाल के इस्लामिस्ट हो, वो हिंदुस्तान की सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करते हुए अपना एजेंडा जो है आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है ललित जी, अब यहाँ से मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि ये तालिबान से जो लोग प्रेरित हैं, जो तालिबान को अपना एक कल्चर समझते हैं, कहते हैं कि ये हमारी एक संस्कृति है। अगर मैं यहाँ पे, मैंने भारत के अंदर कुछ मुसलमानों से बात करी तो उन्होंने कहा जी तालिबान जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, वो एक इस्लामिक रूल को लेके आ रहा है, उसकी ज़रूरत है हमें। तो क्या ये जो चीज़ है जो भारत के अंदर है, जो ऐसी सोच है, वो काफ़ी ख़तरनाक है और सरकार को इसको एक अलग तरीके से डील करना चाहिए? मैं बार बार कह रहा हूँ, सरहद के ऊपर वहाँ पे लाखों तालिबान भी आए तो मेरी फौज भारतीय सेना उनको संभाल लेगी जी। लेकिन अंदर जो सांप हमारे 70 साल से हैं, खासकर कंटेम्प्रेरी सेंस में 70 साल से जो हिंदुस्तान के अंदर सांप पल रहे हैं, जिनको हम दूध पिला रहे हैं, उनसे खतरा है। उनसे हिंदुस्तान को, भारतीय सुरक्षा के कर्मियों को उनका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं बता रहा था, आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन उनको मिलती है उत्तर प्रदेश में उपस्थित जो मुस्लिम इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस हैं, और उनको जो मिलिट्री वॉरफेयर की जो इंस्पिरेशन मिलती है वो अलकायदा से मिलती है, ये मानना पड़ेगा। और अलकायदा स्पेशलाइज करती है IEDs में, एक्सप्लोसिव्स में, राइट? वो उनका एजेंडा है। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के अंदर
जो इनके जो स्लीपर सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं। हाँ। तो मैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी दहशतगर्दी की जो वारदातें होने की बहुत बड़ी संभावना है, इसलिए हमें इसको रोकना पड़ा। देखिए क्या है, वो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो उन तालिबानों को एक व्यक्तिगत रूप से वो उनसे प्रभावित नहीं हो सकता है, लेकिन प्रभावित है उनकी आइडियोलॉजी से। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, वो सोच क्या है, वो सोच बर्बरता की सोच है, वो सोच मिडिवलिज्म की सोच है, वो सोच वही मोहम्मद बिन कासिम की सोच है, वही सोच बाबर की सोच है। उस सोच को ये उसमें ये आनंद नहीं, इनमें इनको इनका क्योंकि तालिबान है ना, इस्लामिक नाम है ये तालिबान, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, लश्कर तायबा हो, ये सब इस्लाम के नाम से जुड़े हुए हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, ये खुद बोल रहे हैं, ये कोई अपने आप को संत नहीं बोलते हैं। जो हिजबुल मुजाहिदीन है, लश्कर तायबा है, और जो आपके जैश मोहम्मद है, सब इस्लाम के नाम से है ना, मोहम्मद के नाम से कर रहे हैं ना ये लोग, उनकी सोच है उनका इस्लाम, राइट। ये लोग IEDs में करते हैं जैसे मैंने बोला, और इनका जो फैलाव जो है ये सोचते हैं कि रूहानी सुकून मिलता है इनको। हाँ। तालिबान वहाँ आ गए, इनके लिए एक रिलीजियस एक अचीवमेंट है ये। हाँ। ये जैसे कुंभ मेला आप करते हैं ना। हाँ। आप जाके यहाँ पर स्नान करते हैं, पापों को धोते हैं ना, वहाँ जाके गंगा मेल के स्नान करते हैं, एक स्पिरिचुअल एक रूहानी सुकून मिलता है। इनको रूहानी सुकून मिलता है इन तालिबानों से, इनकी सोच से, जो मारते हैं औरतों के ऊपर, औरत को इंसान नहीं मानते हैं, औरत को जानवर से भी बदतर मानते हैं। मैं समझता हूँ तालिबानी सोच के अंतर्गत एक कुत्ते को हक है, उसको हकूक है, लेकिन एक औरत को नहीं है, एक औरत को वो हक नहीं है। एक बकरे को हक है, उसको हमने कानून के हिसाब से काटना है, उसको कलीमा पढ़ के उसको वो काटना है हमने, लेकिन औरत के ऊपर कोई अधिकार नहीं। औरत को तो मैंने जैसे बोला, घुटना उसका दिखाई दिया तो कोड़े पड़ेंगे, मर्द के बगैर घर से बाहर निकले, चाहे वो मर्द छः साल का लड़का क्यों ना हो, उसके साथ अगर घर से बाहर नहीं निकले तो उसको कोड़ा पड़ेंगे। तो ऐसी सोच के साथ इनको मैं कहता हूँ, जो मुसलमान भाग रहे हैं अफगानिस्तान से, वो मुसलमान है। हाँ। वो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, औरतें हैं, भाग रहे हैं वो लोग वहाँ पे, इनको नहीं समझ आएगी। क्यों? क्योंकि ये उसी सोच के हैं जहाँ पे औरत का समाज के अंदर कोई दर्जा नहीं, मॉडर्न सोच का कोई दर्जा नहीं, इनके हिसाब से तो ज़मीन चपटी है। ये उसी हिसाब से दुनिया को देखना चाहते हैं, अपने उस इनके हिसाब से जो इस्लाम है उस नज़रिए से, ये इस्लामिक जो स्कॉलर्स हैं उनको डिसाइड करना पड़ेगा क्या तालिबानी इस्लाम क्या वो इस्लाम है, या इस्लाम जो आप कहते हैं कि हम सब लोग बोलते हैं भैया जिहाद का मतलब ये नहीं है, कुरान में तो कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इनको वो ये बताना पड़ेगा जो इसके ऊपर अभी जो खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। हाँ। वो ये तो जश्न काबुल हुआ ना। हाँ। जश्न काबुल इनका सिर्फ काबुल की ज़मीन के बारे में कुछ नहीं है इनका। इनके नज़रिए से इस्लाम ने वहाँ पर, इनके इस्लाम ने वहाँ पर जीत हासिल की है। हाँ। और वही जीत वो हिंदुस्तान में यहाँ पर नाफिज करना चाहते हैं हिंदुस्तान के। ललित जी, ये तो बात हो गई तालिबान की, ये बात हो गई महबूबा मुफ्ती की, ये बात हो गई उन लोगों की जो तालिबानी सोच को अपना समर्थन दे रहे हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी जो आपसे रिलेटेड है, कश्मीरी पंडितों से रिलेटेड है, क्योंकि आप लोगों ने भी इस्लाम को सहा है, इस्लाम को झेला है 1990 के समय में। तो कैसे वो दुख देते हैं, किस तरीके से वो प्रताड़ना करते हैं लोगों के ऊपर, ये मैं आपसे समझना चाहूँगी, ताकि जो लोग इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं हिंदू होकर के, या फिर आप ये कहिए कि जो लोग इस्लाम से नहीं है वो इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं, उनको समझ में आए। देखिए मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे मैंने कहा गजवाए हिंद का जंग 1000 साल पहले हुआ जी। दुनिया भर में अगर कोई कंटिन्यूड चलता हुआ जिनोसाइड है ना, नरसंहार है, वो हिंदुओं का है। 1000 साल पहले हुआ था जब सिंध पे कब्जा किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, वो चलता रहा है। जब आप ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर 800 साल मुसलमानों ने कब्जा किया था, लेकिन आप आज की तारीख में 85-90% अगर हिंदू हैं, इसलिए नहीं है कि वो बड़े दयालु थे, आप बच के उन्होंने पूरी कोशिश की हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू संस्कृति को ख़त्म करने की, क्योंकि उस वक्त पूरे 1000 साल जंगें चल रही थी, चाहे वो मराठा लड़ रहे थे, राजपूत लड़ रहे थे, चाहे उत्तर पूर्व में लड़ रहे थे, तमिलनाडु में लड़ रहे थे, कश्मीर में भी लड़ रहे थे। हमने तो कश्मीर, यहाँ तो गजवाए हिंद तो 1000 साल पहले बाकी भारत में हुआ, कश्मीर में 700 साल पहले हम लोग पूरे 100% शत प्रतिशत हिंदू थे। बिल्कुल। तो हमने बेवकूफ़ी की जो ये सर्वधर्म संभव। हाँ। और ये अतिथि देवा भवा। हाँ। ये नीति की और हमको ये एहसास नहीं हुआ, जिनको हमने अतिथि देन के यहाँ पे जगह दे दी, शाहमीर को जगह दे दी, जैसे शाहमीर आया और जो हमारी हालत हो गई 700 साल के अंतर्गत, आज की तारीख में हम लोग वहाँ पे जब 90 के दशक में थे
डेढ़ या 2% रह गए थे। ये जो जिनोसाइड जो है ये 90 के दशक में नहीं शुरू हुआ, जिनोसाइड 700 साल से सह रहे थे। मैं तो अपने जो मेरे एंसेस्टर्स हैं, जो मेरे पूर्वज हैं, उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा जनेऊ जो है, हमारी धार्मिक, हमारी जो शिनाख्त है, हमारे जो सांस्कृतिक, जो सनातन संस्कृति को बचा के रखा और हम अभी तक जिंदा है क्योंकि वो लोग जंग लड़ते रहे, ठीक है, हमने धर्म कबूल नहीं किया, ठीक है। तो ये 90 के दशक में जो हुआ वो इसलिए ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि वो भारत की आज़ाद भारत 40 साल सो कॉल भारत की आज़ादी के बाद 40 साल आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन की नाक तले कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार होता है और हिंदुस्तान के अंदर सब चुप। इसीलिए हम, मैं आज की तारीख में बोलता हूँ, 30 साल पहले हम 32 साल पहले अकेले थे, लेकिन 32 साल से हमने जो कश्मीर की मशाल जला के रखी, जिंदा रखी, आज हम अकेले नहीं, आज हमारा 130 करोड़ हिंदुस्तान हमारे साथ है। आज तो आप बाकी भारत हमारे लिए बोलता है, पूरा बोलता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कश्मीर सिर्फ एक ज्योग्राफिकल हिस्सा नहीं है, ज्योग्राफी नहीं है, भूगोल नहीं है, कश्मीर भारत की संस्कृति, सनातनी संस्कृति का स्रोत है। मैं बार बार बोलता हूँ, कश्मीर के कंकर कंकर में शंकर है, कश्मीर के बिंदु बिंदु में गंगा जल है। आप 370 और 35 ए के लगाने से आपने कश्मीर और बाकी भारत के बीच में वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती ना, जो बच्चे और माँ के बीच में होते हैं, उसको तोड़ के रखा था। और 5 अगस्त 2019 को उस कॉर्ड को, जो माँ और बच्चे को, आपने जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की है। बीमारी बहुत पुरानी है, 70 साल की तो कंटेम्प्रेरी रिसेंस में है, उसको ठीक करने में वक्त लगेगा, लेकिन प्रक्रिया शुरू हुई है। कश्मीर जहाँ जिंदा है, तो जो 90 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ, इसी सोच के यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, ए कश्मीर के मुसलमानों, हिंदुस्तान से आज़ादी का मतलब अलजहाद अलजहाद, ये कश्मीर की मस्जिदों से नारे लगते थे, मस्जिदों से। पूरे शहर के अंदर बिजली नहीं होती थी, लेकिन मस्जिद का लाउड स्पीकर ऑन होता था। ये क्यों? कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ पे जो रेप, मर्डर, मास मर्डर, ऐसी बर्बरता के साथ जो आप अफगानिस्तान में सुनते हैं ना, या आईएसआईएस ने वहाँ पे यजीदी औरतों के साथ वहाँ पे किया सीरिया में, वही हाल कश्मीर के अंदर हुआ। कैसे रेप हुए, कैसे मर्डर हुए, एक एक रेप, एक एक मर्डर ऐसी बर्बरता के साथ हुआ। मोहल्ले के अंदर 10 घर थे, जब एक घर के अंदर इस तरह से हमला हुआ तो बाकी 9 घर तो निकले जाएंगे ना। और ये देखते हुए कि हिंदुस्तान की, दिल्ली की सरकार चुप। इसलिए जब मैं बोलता हूँ कि आप इस इस्लामिस्ट सोच को, इस मानसिकता को तोड़ने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले इसी महबूबा मुफ्ती और ये जो अपने आप को मेनस्ट्रीम पार्टी बोलते हैं, चाहे वो हुरियत हो या हुरियत, ये हुरियत का ऑन ग्राउंड फेस है। ये जो हुरियत हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अभी भारत की जो पार्लियामेंट है ना, बारामूला से जो उनका लोकसभा का मेंबर है, हमारी आज की तारीख में लोकसभा के अंदर, उसने कुछ बरस पहले जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेचर असेंबली में, चलती हुई असेंबली में नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद। और फिर बाहर पत्रकारों ने पूछा, भाई ऐसा क्यों बोला? बोलता, मैं मुसलमान हूँ, भावुक हो गया। ये देखिए मानसिकता, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हिंदुस्तान से भारत, बाकी भारत से दूरी करनी है, कश्मीर के अंदर हमने पाकिस्तान से जोड़ना है अपने आप को। तो ये जो मानसिकता है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आपके केरला, कश्मीर के अंदर केरला के जहादी भारतीय फौजियों के साथ लड़ते लड़ते मारे गए, पूरे विश्व के मुसलमान जो जहादी वहाँ पर लड़ रहे हैं। तो ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, ये जो पूरा गुपकार गैंग है, ये उनका पूरा फसाद है। हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल कर रहे थे वही एजेंडा हासिल करने के लिए, जो हुरियत कर रही है, जो पाकिस्तान कर रही है, और जो कश्मीर के अंदर जो जहादी कर रहे हैं। तो कश्मीर का बिल्कुल उसी जहादी सोच, जहादी जंग जो दुनिया भर में हो रही है, उसी के साथ जुड़ा हुआ, जिसका सबसे बड़ा शिकार कश्मीरी हिंदू हुआ। क्योंकि उनको ये लग रहा था कि कश्मीरी हिंदू जो है, कश्मीर के अंदर एक तो भारतीय हिंदू संस्कृति, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक चलता फिरता तिरंगा देख रहे थे कश्मीरी हिंदू के अंदर। इसलिए उन्होंने उनका नरसंहार कर दिया, क्योंकि उनको लगा अब तो ये रुकावट निकल गई, अब तो पूरे सब लोग एक उम्मा हो गया हमारे यहाँ पे, अब हमारे को आज़ादी मिल गई। तो तब से अभी तक जो जंग चल रही है, मैं समझता हूँ कि अब ये जो 370 हट गया, 35 ए हट गया, इससे कश्मीर जहाँ नहीं ख़त्म होगा। इससे आपने उस मानसिकता को के ऊपर वार किया है, जो मानसिकता के अंतर्गत कश्मीर का आम मुसलमान, क्योंकि जो अफीम जहाद की, इस्लाम की, यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पिछले 70 साल की जो इन्होंने आम कश्मीरियों को जो अफीम पिला के रखी थी, वो उसकी वजह से कश्मीर का आम मुसलमान आज की तारीख में बाकी हिंदुस्तान में हिंदुओं से तो छोड़ो, हिंदुस्तान के बाकी मुसलमानों से भी अपने आप को अलग समझता है। ये मानसिकता होगी तो जब आप
5 अगस्त 2019 को 370 रुपये से हटा रहे हैं, जिनके अंतर्गत, जिसकी वजह से कश्मीर के अंदर ये मानसिकता पल फूल रही थी, आप में कश्मीर के अंदर एक छोटा मोटा पाकिस्तान फल फूल रहा था, वो उस मानसिकता को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई हुई है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, 70 साल पुरानी बीमारी है कंटेम्प्रेरी सेंस में, है तो 700 साल से पहले जहाज आया कश्मीर के अंदर, लेकिन कंटेम्प्रेरी सेंस में ये 70 साल पुरानी बीमारी है, इसको ठीक करने के लिए वक्त लगेगा। लेकिन जहाँ तक कश्मीर जहाज है, वो मिलिट्री प्रॉब्लम है दुनिया भर में, चाहे वो काबुल हो, सीरिया हो, अफगानिस्तान हो, जहाँ पे भी, यमन हो, सूडान हो, नाइजीरिया हो, ये जंग जो है मिलिट्री जंग है, इसको मिलिट्री तौर से लड़ना पड़ेगा, जो चल रहा है। रोज़ आए दिन हमारे यहाँ पर इनकाउंटर्स हो रहे हैं, आतंकवादियों का सफाया हो रहा, लेकिन साथ साथ मैं भी समझता हूँ कि आज की तारीख में जो अफगानिस्तान और बार बार जोड़ता हूँ कश्मीर के साथ, मैं समझता हूँ कि एक मौका आया है, और ये शायद ये जो जंग जो अभी दोबारा शुरू हुई है वहाँ पे अफगानिस्तान में, इससे भारत को फ़ायदा होगा, हमें गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद करने का मौका मिलेगा, अफगानिस्तान हमारा एक नेचुरल बॉर्डर हमारा उनके साथ बनेगा, तब मैं समझ सकता हूँ जब ये कश्मीर जहाद की जो थिएटर है, वॉर थिएटर है, इसको जब हम LOC के पार ले जाएंगे और पाकिस्तान को उसी तरह से ब्लीड करेंगे जो पिछले 70 साल से हिंदुस्तान को ब्लीड कर रहा था, और तभी आप आज़ादी पाएंगे इस जहाद से, वरना जहाद की जंग तो चलती रहेगी। और साथ में कश्मीर के समर्थक, तालिबानों के समर्थक, कश्मीर जहाद के समर्थक जो हिंदुस्तान के अंदर है, चाहे वो बुद्धिजीवी हों, लेफ्ट, लिबरल, सेकुलर, प्लस ये जो इस्लामिस्ट हैं, उनसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी नज़र वाकई दिल्ली के लाल किले पे, वो यहाँ पे दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, तालिबान की सोच के साथ वो हिंदुस्तान को ऐसा नक्शा बदलना चाहते हैं ताकि उनके साथ आइडेंटिफाई कर पाएँ, तालिबानों के साथ कर सकें। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी सारी बातें हमारे बीच रखने के लिए, धन्यवाद।